Hi, I am Ajinkya. In this video, we are going to discuss one puzzle. तो देखते हैं, तो पजल का नाम है 3 moves. ठीक है, आई एम रीडिंग द पजल, प्लीज लिसन केयरफुली. प्लेस 3 piles ऑफ matches ऑन अ टेबल, वन विथ 11 matches, द सेकेंड विथ 7 एंड थर्ड विथ 6. यू आर टू मूव matches so that each pile holds 8 matches. You may add to any pile only as many matches as it already contains, and all the matches must come from one other pile. For example, if a pile holds 6 matches, you may add 6 to it, no more or less. You have 3 moves. So अपने पास क्या है, 3 piles है. ये फर्स्ट पाइल, ये सेकंड और ये थर्ड पाइल. ठीक है, अब क्या बोला है, इसमें कितने हैं, 11 matches, इसमें 7 और इसमें कितने, 6 matches. अब अपने को क्या करना है, 3 moves करना है. ठीक है, 3 moves such that तीनों piles में क्या होंगे, 8, 8 और 8 matches. Understood? But जैसे ये pile में 6 matches है, तो आप यहाँ से ये वाले pile से यहाँ पे कितने add कर सकते हो, 6. समझ में आ रहा है, 6 से कम भी नहीं, 6 से ज़्यादा भी नहीं, मतलब 6. ठीक है, जैसे ये 7 है, तो यहाँ से आप यहाँ पे कितना ऐड कर सकते हो, 7. समझ में आया, पक्का? बट आपके पास कितने चांसेस है, ओनली 3 moves. ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. I hope you have tried enough. So let's discuss. Now, जो अपनी condition है उसके हिसाब से क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये वाला pile है, इसमें मैं कितना add कर सकता हूँ, exactly 6. ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ पे कितना add कर सकता हूँ, 7, इसमें 11. अब मुझे बताओ, यहाँ से मैं यहाँ पे 11 add कर सकता हूँ क्या, नहीं. तो यहाँ से ये वाला move होगा क्या, नहीं. यहाँ से मैं इसमें 7 ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं. सिमिलरली ये 6 से मैं यहाँ पे 11 ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, यू मे ऐड टू एनी पाइल ओनली एज मेनी मैचेस एज इट ऑलरेडी कंटेन्स एंड ऑल द मैचेस मस्ट कम फ्रॉम वन अदर पाइल. ठीक है, तो ये वाला मूव पॉसिबल नहीं है, ये वाला मूव पॉसिबल नहीं, ये वाला मूव पॉसिबल नहीं है. अब देखो, आई एम रिमूविंग दिस, तो मैं यहाँ से यहाँ पे 6 matches मूव कर सकता हूँ. सिमिलरली यहाँ से मैं कितना कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ पे मैं कितना कर सकता हूँ, 6. तो मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 options है. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से क्या होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने होंगे, 6 + 6 = 12, और यहाँ पे कितना बचेगा, सेकेंड वाले पाइल में कितना बचेगा, 1. ठीक है, और थर्ड वाले पाइल में कितने बचेंगे, 11. अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, इसके अलावा यहाँ से यहाँ पे आ सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ और यहाँ से यहाँ पे आ सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा. ठीक है, अब देखो, सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा, 2. ठीक है, अब मेरे कितने मूव्स हो गए, एक पहला वाला और एक दूसरा, 2 moves हो गए. अब मैं यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना होगा, 8. यहाँ पे कितना होगा, 8. सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, 4, और यहाँ पे कितना होगा, 8.
बट तीन मूव्स हो गए, 8-8-8 हुआ क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 4 और यहाँ पे कितना होगा 10, फिर भी मेरे तीन मूव्स हो गए, हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ये वाला कंडीशन मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखते सेकेंड ऑप्शन क्या है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ पे मेरे को 7 मूव करना है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ से यहाँ पे मैं कितने मूव कर सकता हूँ 7, यहाँ पे कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितने बचेंगे 14, और यहाँ पे कितने बचेंगे 6, तो एक मूव हो गया। अगर मैं सेकेंड मूव में क्या करता हूँ, अगर देखो यहाँ से यहाँ पे मैं कितने ऐड कर सकता हूँ +6, ये यहाँ से यहाँ पे मैं कितने ऐड कर सकता हूँ +4, दो ऑप्शन है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 6 देता हूँ तो यहाँ पे 14-6 कितना होगा 8, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूँ तो यहाँ पे भी 8 होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पहले ये वाला करके देखते हैं। अगर ये वाला कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ पे कितना होगा 12, और मेरे मूव्स कितने हो गए 2 मूव्स। अब देखो यहाँ से यहाँ पे मैं 4 दे सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे 4 दे सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 4 दे रहा हूँ तो यहाँ पे थर्ड टाइम में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। अंडरस्टूड? पक्का? तो इससे मेरा सॉल्यूशन आया। उसके पहले मेरा आंसर क्या था, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया ये वाले वे से। बट यहाँ पे और एक ऑप्शन था, यहाँ से यहाँ पे 4। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ पे मैं 4 देता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ पे कितना होगा 2। अब यहाँ से 2 देता हूँ तो तीन मूव वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? तो यहाँ से अपने को सॉल्यूशन मिला। फिर ये वाला भी देखते हैं। अब थर्ड मेथड में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे मैंने कितने दिए 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितने 7, और यहाँ पे कितने 11 में से 6 गए 5। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पे 5 दूंगा तो एक मूव हो गया, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ पे 7 दूंगा तो यहाँ पे कितने 5 बचेंगे, कुछ आ रहा है? नहीं। यहाँ पे मैं 5 दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं 7 दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 दे सकता हूँ। अब तीनों करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर मैंने 5 दिया तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 12। ठीक है, फिर से अगर यहाँ से यहाँ पे मैं 2 देता हूँ तो तीन मूव्स हो गए, एक ही 8 मिल रहा है। ठीक है, तो इससे पॉसिबल है नहीं। पक्का समझ में आया? तो ये कितना था 5, ये 7, तो इससे नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ पे मैंने 7 दिया तो ये 14 हो जाएगा, ये 5। अब कहीं पे मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये 2 मूव हो गए, तीसरे मूव में कुछ मिल नहीं रहा। मतलब अपना सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ पे आया, ये वाले मेथड से, जिसमें अपन ने क्या किया यहाँ से यहाँ पे अपन ने 7 दिए तो 14 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बचा 6, फिर अपन यहाँ से यहाँ पे कितना दिए 14, फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ से अपन ने यहाँ पे 6 दे दिए तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 12, और तीसरे टाइम पे इधर से इधर दिया, तो तीन मूव्स में ख़त्म हो गया, आंसर आया। आई होप यू लाइक दिस पजल, इट वॉज क्वाइट ईजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।